हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि काफ़ी बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे इस साल 11th क्लास में गए हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, एज वेल एज़ जो बच्चे रिविज़न करना चाहेंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, आप अगर क्लास 10th में अगर आपने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने जो ये वर्ड है ना इसको काफ़ी मतलब कि डीपली समझा होगा कि लिविंग क्या होता है। अगर हम बात करते हैं ना कि व्हाट इज़ द लिविंग थिंग, राइट, तो लिविंग थिंग क्या होती हैं, तो नॉर्मली हम छोटे ये समझते हैं कि लिविंग थिंग वही होती है जो चल सकती हैं, जो बोल सकती हैं, या फिर जो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उन्हीं को ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। बट अगर आप जब जैसे जैसे क्लासेस में अपर क्लासेस में जाओगे, आपको जैसे 11th क्लास में जो इसकी डेफिनेशन पढ़नी है लिविंग की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट कैसे होती है वो हम समझते हैं। अगर आप इस पूरे बुक को लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, तो जो मैं आपको ऐसे वर्बली बता रही हूँ वही सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, तो आप देखो इसमें डेफिनेशन क्या है लिविंग की। इसमें लिखा है पहले लाइन में, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। जो ये लिविंग वर्ल्ड है ये कितना ज़्यादा वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है ना उनकी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ है जो कि हम खुद देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट गुड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग। देखो ये जो नाम दिए हैं ना, कोल्ड माउंटेन, मतलब अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत तरह तरह के जानवर दिखते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ दिखती हैं। वैसे ही डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ओशियन में हमें ना जाने कितने तरीके के एनिमल्स दिख जाते हैं, हॉट स्प्रिंग। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि हॉट स्प्रिंग में कैसे कुछ रह सकता है, तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ना बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या है, एक तरीके का, ये भी एक तरीके का लिविंग ही तो है, या फिर वायरस का। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सब की सब जो है हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव करती है। जैसे ये बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिया होता है जो कि सर्वाइव करता है। उसके बाद देखो लिखा है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, ट्रैकिंग शार्क इवोक्स ए डीप सेंस ऑफ वंडर। ये जो भी चीज़ें रही हैं, घाटियों में जो फूल होते हैं इतने खूबसूरत, या फिर शार्क जो होती है वो अगर अटैक करती है, डीप सेंस ऑफ वंडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में लिविंग हैं और बहुत ही वो अमेजिंग है एक तरीके से। तो ओवरऑल अगर हमें डेफिनेशन समझनी है लिविंग की, तो अगर हम इसका मेन बात करें ना, तो आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं ना उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला क्या होता है, ग्रो करना। ग्रो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ टू ग्रो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ग्रोथ होगी। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी कह सकते हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो होता है आपका, देखो सेकेंड आपका है, इसमें पेजेस थोड़े उल्टे हो गए हैं, सेकेंड होता है रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ना जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या वो लिविंग नहीं है। ये देखो एक्सेप्शन की बात है, एक्सेप्शन देखो, कहीं कहीं चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिंपली अगर आप समझो तो जो ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चीज़ें हमारी क्या हैं, लिविंग हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन घुमा के आता है जो नीट के लेवल में पूछता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो आप सिर्फ तीन याद रखना, क्या, पहला हो जाएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लिविंग थिंग होगी ना वो पहली बात की सेल्स की बनी होगी। दूसरी चीज़ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स शो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं शो करते। और तीसरा होता है इसमें आपका, देखो दो हो गया ना, उसके
तीसरा होता है इसमें आपका कि कॉन्सियसनेस होता है, ओके. थर्ड इज द सेल्फ कॉन्सियसनेस, मतलब जो लिविंग होगा ना, वो चाहे एक छोटा सा सेल ही क्यों ना हो, वो कॉन्सियसनेस होगा. मतलब कि उसको अगर आप टच भी करोगे तो वो जरा बहुत थोड़ी बहुत एक्टिविटी शो करेगा. तो ये होता है कॉन्सियसनेस. तो मेन प्रॉपर्टी तो पांच होती हैं अगर देखा जाए तो, ऐसे पांच प्रॉपर्टी हैं जो लिविंग थिंग्स में होती हैं, बट उसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं. जैसे रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक लिविंग थिंग नहीं शो कर सकता है, ठीक उसी तरह जो है ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स ही ज़रूरी नहीं है शो करते, नॉन लिविंग भी होता है ग्रो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन हो गया, या फिर कहीं पे मिट्टी डालते जाओ वहाँ पे ग्रोथ हुई ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है. इसलिए हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो जो ओवरऑल एनसीईआरटी में पेज नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्टिंग के चैप्टर का है, उसमें पूरी समरी का मतलब यही है. उसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन किया गया है कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, उनके कैरेक्टर मेन कौन से हैं. तो मेन कैरेक्टर तीन होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कॉन्सियसनेस. दीज थ्री आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक. ओके.